मालूम कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले बार दीवार सुबह चिकने जरूर अल्लाह का नाम है आपको जरूर अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो भाई लोग जो भाई हमारे चैनल पर नहीं हुए आज इस महीने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब। उसके बाद आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप चेक कर सकते हैं मेरी सूजन है जी, कल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। एक ही मेडिसिन से, नाइट को मैंने मेडिसिन ली थी, बाकी मैं आपको जी काम चेक करा दूँ घर का। नाइट को तो सही से आप लोगों को शायद ना दिखाई दिया हो। तो आज इस जगह की ना जी भीम की भराई होगी, ये भीम बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये भी पड़ा हुआ है, पता नहीं ये इस जगह पे आता है या पता नहीं किस जगह पे आता है, नो आइडिया मुझे। और वो बिल्कुल डन हो चुकी है, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। तकरीबन वो वाला रूम और ये वाला एरिया डन हो चुका है भाई। ये जगह पड़ी है ना खाली, तो इसमें कॉलम आएगा। और वो सामने वाला जो हमारा कमरा है ना, उसमें दो जगह डन हो चुकी हैं, बस दो जगह रहती हैं ये खाली पड़ी है। तो ये भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद काफ़ी है कि जितने भी हमारे भीम की भराई है वो आज हो जाएगी, क्योंकि आज वो डन करेंगे वो सामने वाली जो दीवार है ना, क्योंकि वो दूसरों का घर है। तो इस वजह से नहीं, पर्दा वगैरह होता है तो उनकी मेहरबानी से ना वो हमारे सबसे दें गुंजाइश करें। तो बहरहाल कल तक उम्मीद काफ़ी है कि चीज़ें वो दीवार स्टार्ट कर देगा। और बाकी अभी उठा हूँ, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो अभी तो मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर उसके बाद में जी वो मिस्त्री मजदूर भी आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ना खुला माहौल है, आप चेक कर सकते हैं। तो बंदा धोती लगा के ना आता जैसे माहौल में, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो बहरहाल जी मैं तो फ्रेश वगैरह होता हूँ, तो आपको मिलता हूँ फ्रेश होके। तो जी वेलकम बैक हो गया ब्लॉग में। तो अभी कोई टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तो आपका भाई ने जी कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, मैं और अबू जा रहे हैं कुछ सामान का पता करें, चौकाट उनको बोल दें, चौकाट के जाके रेट शेट पता करते हैं और उसके बाद जी उनकी क्वालिटी जाके चेक करेंगे। एंड मिस्त्री वगैरह आ चुके हैं, काम शाम भी स्टार्ट हो चुका है। अब वो लोगों ने ना वो साइड कंप्लीट कर ली है, इस साइड को लगे हुए हैं और चौक बाजार भी पहुँच चुके हैं जो कि सरिया सेट कर रहे हैं। तो वो और अबू गए हैं और एक और बंदे साथ गए हैं, वो ना जाके जी बनाएंगे न्यू भीम जो इन चार कमरों के रहते, सॉरी इस कमरे के रहते हैं और इस साइड का जो रहता है वो जाके जी बनाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह सरिये वाला जो काम है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फिर थोड़े बहुत कॉलम होंगे उनका सरिया बनाने पड़ेगा, फिर ऊपर एक भीम आता है उसका। तो फिलहाल आज का हमारा काम ये कि जाके चौकाट का पता करते हैं और वो लेनी है जाके। हाँ तो जी हम लोग जा रहे थे जी पक्की शाह मर्दान वो चौकाट का पता करने, लेकिन रास्ते में बाइक गई है, पंचर चेक करें जी, बाइक का पंचर लगवा के चल जाएंगे जी आगे। अबू आ रहे, अबू ने बोला है कि जी आप आगे बाइक ले जाएं, मैं आ रहा हूँ जी पीछे। हाँ तो जी एक पंक्चर नहीं था, दो पंक्चर हैं इसमें। जब मैं बुक लेने गया था जहाँ पे ना जी सरी कटाई वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पे इसमें एक वायर लगी छोटी सी तार लोहे की, तो उसकी वजह से दो पंक्चर हो गया यार। तो एक पंक्चर लग गया, दूसरा लगा रहे हैं भाई। फिर हम चलते हैं जी आगे पक्की शाह मर्दान वाली साइड पर, क्योंकि भूख भी लगी हुई है यार काफ़ी ज़्यादा, जाके खाना छाना भी खाएँगे, देखें कि भाई क्या चीज़ खानी है आज। तो जी हम लोग आए हुए थे पक्की शाह मर्दान पे, तो इधर शॉप से भी पता किया चादरों का। और उसके बाद जी जिन बंदे के पास हम आए हैं उनको उसके पास अभी जा रहे हैं और उससे जाके ना जी जो बात है वो जा कंफर्म करते हैं। हाँ तो जी हम लोगों ने एक बंदे के साथ जो वाट का सीन डन कर दिया है। तो बाकी तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का, तकरीबन 4 घंटे हम लगातार जी दुकानों पर, फिर दुकानों पर चक्कर काट काट के थक चुके हैं, सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो खाना शाना खाते हैं और फिर जाएंगे जी घर, क्योंकि दादा जान भी हमारे वेट में बैठे होंगे, उनके लिए भी खाना लेके जाना है। तो जी हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं और चेक करें जी ऑलमोस्ट जी काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कॉलम वगैरह भी लग चुके हैं और उसके साथ जी सारे भीम भर दिए उन लोगों ने, चेक करें। तकरीबन सारा काम जी उन लोगों ने ना ख़त्म कर दिया,
तो अभी शायद वो खाना शाना खाने गए हुए हैं, तो हम भी अभी आ रहे हैं थके हारे, तो कोई आराम शराम करते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो जी हम ये उस दिन लेके आए थे जी, मेरे वाले से चेक करें जी, तो ये अंदर से बिल्कुल ना पत्थर बनी हुई है। इसको अभी गर्म करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे, वो हम शीट लेके आए थे और उसके साथ ये। तो ये एक्चुअली सेम को कम करने के लिए होती है। हमारे इलाकों में ना सेम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चावल की फसल उगाते हैं, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सेम बन जाती है। तो सेम को रोकने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और काफ़ी लोग तो केमिकल वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी असरमंद होती है। तो हम लोग ये चीज़ लेके आए और इसके साथ जी प्लास्टिक वाली कली लेके आए, ये गर्म की जाएगी और इसके ऊपर ये डाली जाएगी, फिर इसके ऊपर आएगी जी वो प्लास्टिक वाली कली। भाई यार आइडिया नहीं है तो पता करते हैं जी उस्ताजी से, तो उस्ताजी हमें बताएं कि यहाँ पे प्लास्टिक डालेंगे, लुक डालेंगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डालेंगे, वो साथ चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब कि ये थोड़ी ना सेफ हो जाएगी। हाँ जी, फिर वो सेम ऊपर नहीं आएगी। तो अगर जिस भाई ने जी मकान शकान बनाने हैं तो ये चीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये काफ़ी असरमंद होती है और सेम के रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती है जी हमारे विलेजेस में। चेक करें भाई ने ना जी आग जलाने की जगह बना ली है, इधर ये जलाएंगे जी आग, और इसके ऊपर फिर ये रखेंगे। और इसमें ना जी हम उस दिन ले के आए थे वो मिट्टी का तेल, चेक करें ये है जी मिट्टी का तेल, ये डालेंगे इसमें लोक में। साजी जला रहे हैं जी आग, चेक करें देसी तरीके से। मालो कह रहा है जो ये कह रहे हैं कि पहले बार दीवार सुबह चिकन ज़रूर अलग आराम है आपको, ज़रूर ज़रूर सी यू टाटा। तो अभी जी इसको कर रहे हैं जी गरम, और फिर इसके अंदर डालेंगे मिट्टी वाला तेल। तो भाई चेक कर रहे हैं जी सामने नीचे से गरम हो रहा है, अब जी लोग को ये कर रहे हैं जी मिक्स। वाह वाह मुंतजिर मैं कौन है, ओ है तो दिया था ना अकेले यार, इसको आको कैसे इसको साथ तो साजी मिक्स कर रहे हैं जी लोग को, और उसको मिट्टी वाले ऑयल को अभी इसके ऊपर डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इसके ऊपर किस तरह डाला जाता है। और इधर इन लोगों ने जी प्लास्टिक वाली जो कली है वो भी निकाल ली है। तो चेक करें जी इसके अंदर इन्होंने मिट्टी का तेल डाला है और इससे आग निकल रही है यार, चेक करें। अब आग चेक करें यार, होए 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 होए। इसके ऊपर है जी ये डाल रहे हैं कली, अब ये इसके साथ बिल्कुल ना फिट हो जाएगी। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी कॉलम के रिंग लेने, क्योंकि उसमें भी कम पड़े हैं और इनमें भी तकरीबन दो दो और ज़्यादा पड़े हैं, रिंग तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं, जाके न्यू रिंग लेके आने और इसमें डालने हैं। तो अभी जा रहे हैं जी हम लोग पक्षा मतदान ज़्यादा, उस घर से पता करें अगर हमें वहाँ से रिंग मिल गया तो वहाँ से ले लेंगे। और इन्होंने बोला है कि जी मिट्टी का तेल भी लेके आए,
ये भी अब ख़त्म हो चुका है, ये नहीं, ये मिट्टी वाला तेल रंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि जो न्यू उन लोगों ने भीम बनाया ना तो उसमें सभी रंग लग गए हैं जी। हम लोग ने मिट्टी का तेल ले लिया है तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं जी शॉप पे, तो यहाँ से ना हमें 7x7 के रंग मिल चुके हैं। तो ये हैं जी 270 में, पहले हमने लगाए 370 के, उन्होंने बोला कि हमारे पास 270 पौधे मैंने कॉल की थी, जो उसने बोला कि ठीक है बस आप 270 के लें, ये भी अच्छे हैं, ये भी काम चला देंगे। तो ये हैं जी रिंग्स और वो पड़ा जी मिट्टी का तेल, मैंने अपना सामान सामान जो है वो ले लिया और अभी जा रहे हैं जी घर, क्योंकि वो लोग लुक शुक डाल रहे हैं तो उनको ज़रूरत है जी मिट्टी का तेल, और रिंग जो है शायद शाम को लगें या सुबह लगें, वो जा के देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन है जी। हम लोग घर वापस आ चुके हैं और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ये साइड वो एंड तक उतने तक, और ये जगह रहती है आप चेक करें, एंड जी लुक भी ख़त्म हो चुकी है, चेक करें जी बिल्कुल एंड हो गई है जी, कल फिर से न्यू ट्री लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हाँ जी हम लोग निकल अलहमदिल्ला खाना शाना खा लिया है और अभी कोई टाइम हो रहा है जी 9:40 का, तो अभी लाइट चली गई है आप चेक कर सकते हैं जी, अंधेरा ही अंधेरा है, तो मेरे मोबाइल की फ्लैश ऑन है इस वजह से भाई आपको अंधेरा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जी इंशाल्लाह सुबह हमारे जो भीम हैं इनके ऊपर उम्मीद है कि जी लुक वगैरह सब डन हो जाएगी, क्योंकि कल है जुमेरात, परसों जी जुम्मा है, तो इस वजह से ना मिस्त्री और मज़दूरों की छुट्टी, उम्मीद है कि जी कल तक ये सब काम ये क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि फिर हफ्ते वाले दिन चौड़ाई स्टार्ट करेंगे, मतलब कि दीवारें बनाना स्टार्ट करेंगे, और लाइट भी आ चुकी है यार पीछे आप चेक कर सकते हैं, तो आप चेक करें जी मेरी ये जो सूजन है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी कल तक ये बिल्कुल ना सेट हो जाएगी, तो बस दुआ कीजिएगा, एंड आज की वीडियो भी इधर एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।